प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 मिनट का जीबीसी मन्ना, कल बहुत सारे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, हमने रात को बैठ के प्रार्थना की है, सुबह उठ के आप लोगों के लिए प्रार्थना की है। आपकी फाका कसी, गड़बड़ियां जीवन की, कोर्ट केस, बीमारियां आज सब खत्म हो गई है। 14 दिसंबर प्रभु आपको आशीष दे रहा है, और आपको आशीष मिली है तो हमसे जरूर शेयर करिए अपनी गवाही, हम आपकी गवाही को टीवी पे दिखाएंगे और एनजीबीसी मन्ना में आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है, बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद किया है, और एक लेडी है जिसके जीवन में गुजरात से उसके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, खत्म हो गई। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लेडी है जो कि उड़ीसा में बीमार थी, आज वो चंगी हो गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई एमसी थॉमस, डिस्चार्ज हो गए हैं, कोरोना वायरस चला गया है। आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने अजीज ब्रदर मिस्टर क्लेरेंस सिंह साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। मैं कहना चाहता हूँ हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के पासवान, सीनियर पासवान पास्टर रेवरेंड डॉक्टर एरिक, जो कि हमारा बड़ा बेटा है, आज उनका भी बर्थडे है। परमेश्वर दीर्घ आयु से तृप्त करे ताकि वो हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च का नाम इंडिया से लेकर पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। एक अच्छे वर्शिप लीडर है, प्रभु उनको, उनकी पत्नी डॉक्टर जेनिफर को, दोनों बच्चों को, बहन बहनी को बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे रेवरेंड सुमित मसी और प्रियंका के लिए, प्रभु ने बहुत आशीष दी है, चंगा किया है, प्रभु उनके जीवन में आशीष दे। पास्टर राजू, हम प्रार्थना करेंगे पास्टर सुशील मसी उनके परिवार के लिए बरेली से, हम प्रार्थना करेंगे अपने अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर मधुवाला परिवार के लिए। आज की इस लम्हे में 14 दिसंबर को हम धन्यवाद करना चाहेंगे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के एक एक सपोर्टर के लिए। हम प्रार्थना करेंगे जितने भी बीमार हैं, जितने भी एचजीबीसी मन्ना आज देख रहे हैं, मेरे भाई 5 मिनट का एचजीबीसी मन्ना आज आपका जीवन को जागृति ला रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा आज आपका जीवन बदल जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, उद्धारकर्ता आपके जीवन में, आपके दिल के अंदर जन्म ले रहा है। प्रार्थना करें लेकिन प्रभु को अपने योग्य बनाए, धरती पर किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और किसी का से आपका उद्धार नहीं हो सकता। सुन लें, कान खोल के, आंखें खोल कर सुन लें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग मिसगाइडेड है कि हमारा पैसे से उद्धार हो जाएगा, मेरे भाई के द्वारा हो जाएगा, इन पास्टर्स के द्वारा हो जाएगा, इस डिनोमिनेशन के द्वारा हो जाएगा, किसी से नहीं हो सकता। जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है वही मनुष्य पे भरोसा करता है, क्योंकि वह श्रापित है। धन्य है वे जो यीशु पे भरोसा करते हैं, वही उद्धार करता है। आज एचजीबीसी मन्ना सुनने वालों के लिए मैं आशीष देता हूं कि आज उनका उद्धार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने हृदय में जन्म दे दिया है। आज तुम्हारे नगर में, दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। अगर आप इसे रिसीव कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी बीमार हैं, इस प्रार्थना को मैं कर रहा हूं, अपने उस स्थान पर अपने हाथों को रख लें। आपके हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, एसआईटिस है, आज यीशु के नाम से आता कुंड नरक में जा रही है। मैं बड़ी चंगाई को सरसाते हुए देख रहा हूं। जिनका ब्रेन हेमरेज हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कैसी भी स्पॉन्डिलाइटिस है, स्किन समस्या है, मैं देख रहा हूं किसी का हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है बहन का, आज प्रभु उसे चंगा कर रहा है। ये 5 मिनट का एचजीबीसी मन्ना में जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उन सबके जीवन में पवित्र आत्मा आ गई है, और आप जा रहे हैं ट्रेन में, सफर में, कैसे भी जगह, और जब अब ये मन्ना सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, इसी समय चंगाई को दे रहा है, इसी समय चंगाई को दे रहा है, आप बड़ी चंगाई को देख रहे हैं। एचजीबीसी मन्ना 5 मिनट का आपके जीवन में जागृति को ले आया है। प्रभु इन सबको आशीष दे, कल्याण कर, बड़ी चंगाई को ही देखने पाए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी मैं आपको देना चाहता हूँ। भाई क्लेन सिंह साहब, आपको प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर रहा है। रेवरेंड डॉक्टर एरिक, आप दुनिया के कोने में, कोने कोने में लोग आपको जान पाएंगे, कोई वर्शिपर है जिसके द्वारा हम चंगे हो गए हैं, बड़ी दीर्घायु से तृप्त कर। इन दोनों को मैं आशीषित करता हूं आज के दिन, प्रभु बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 14 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीन, मुबारक और हैप्पी क्रिसमस। 5 मिनट भाई, मेरे 5 मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, 5 5 5 5, ये 5 मिनट का एचजीबीसी मन्ना आपके जीवन में उद्धार को लेके आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। 2000 वर्ष पहले आपकी उम्र 50 60 70 80, क्या आपका उद्धार हुआ? ये 5 मिनट का मन्ना अगर सुन लेंगे
तो उद्धारकर्ता को जान लेंगे। आपके माता पिता ने आपको नहीं बताया, आपको पीएचडी करा दी भाई, आप डॉक्टर बन चुके, इंजीनियर बन गए, लेकिन इसका ज्ञान है, आपका उद्धार हुआ है। अच्छे अच्छे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उद्धार कैसे होता है, मैं आपको बता दूं, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से होता है कि आप मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें कि मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, तो आज आपका उद्धार हो जाएगा। निश्चय अपने नाम के आगे लिख लें, निश्चय मसीह साहब आपका उद्धार हो जाएगा। मेरा जीजू फिलिप भाई, भाई जेम्स आपका उद्धार हो जाएगा। मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि आपने 12 घंटे से केक की लाइन में लगे हुए केक बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से बनाइए क्रिसमस। आपने डेंटिंग पेंटिंग करिए अपने उद्धारकर्ता को लाने के लिए कि मेरे घर में यीशु मसीह आ जाए, जरूर आएगा, क्योंकि आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए परिश्रम करता है उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा, स्वर्ग से। मेरे अजीज, मेरे पुर्णियों, मेरे बुजुर्ग माता पिता, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस वचन को जाना है? 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह क्यों आया? आज अगर आपके अंदर बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम है, HIV हो गया है, कोरोना हो गया है, याद कर लीजिए अपने पापों को, आज भी आप धोखा दे रहे हैं अपने माता पिता को। कौन है माता पिता? आपको यही नहीं पता, माता और पिता के रूप में मेरा यीशु मसीह मेरा स्वर्गीय पिता है, हमने उसे झूठ बोला है, आज तक वचन को ग्रहण नहीं किया है, और इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। और जिस दिन यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म दे देंगे, उस दिन आपका उद्धारकर्ता आपका उद्धार कर देगा। हालेलुया। 5 मिनट का मनना है ये, 5 मिनट का, क्या आपका उद्धार हुआ है? मेरा आज का क्वेश्चन है, पूछ लीजिए अपनी पत्नी से मैं कि पत्नी जी आपका उद्धार हो गया? आप इस वचन पे चलती है, वचन को सुना है? आप पति को धोखा तो नहीं दे रही, मोबाइल पे किसी और से बातें तो नहीं करती है? घर में आए घर वाला, बाहर गए बाहर वाला। पति अब से पूछ लीजिए, पति जी आपका उद्धार हो गया? पत्नी पूछ ले अपने पति से कि आप किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे व्हाट्सएप से सबको मिला रहे हैं, बाहर जाए तो बाहर वाली, अंदर आए तो घर वाली, जरूर जरूर पूछिए। इसीलिए आप बीमार हैं, आप कहेंगे कैसे बीमार हैं, आपके पास शांति नहीं है, आप पूरी दुनिया को जीत ले और अपने प्राण खो दे, क्या फायदा? मेरे अजीज, जब उद्धारकर्ता आपके हृदय में जन्म लेगा तो शांति आ जाएगी। क्या आपने अपने बाप की बात सुनी है? आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि हम तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुदा आपको आशीष दे। लेकिन उसके ऊपर एक और है जो ये पूछ रहा है आपसे, इस बाइबल में लिखा है, जो बहन आपसे कह रहा हूं मैं, जो बहन मैं आपसे कह रहा हूं, भाई मैं आपसे कह रहा हूं, 5 मिनट डेली मन्ना NGBC, जो अपने पिता को मुझसे ज्यादा योग्य समझे वो मेरे योग्य नहीं। जो अपनी माता को, मेरी बहन, मेरे अजीज, मेरे बच्चों, अपनी माता को मुझसे ज्यादा योग्य समझे वो मेरे योग्य नहीं। जो माता पिता अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा योग्य समझे वो मेरे योग्य नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा योग्य समझे वो भी मेरे योग्य नहीं। फिर क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह? आप 5 मिनट का मनना जल्दी से बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब वो उद्धारकर्ता है यीशु मसीह से मांगिए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना गॉड, अपना परमेश्वर यीशु मसीह को मान लेंगे कि आज 2000 वर्ष पहले वो हमारे लिए आया और हमारा उद्धार किया और हमारे पापों की खातिर सूली पे चढ़ गया, अपनी जान दे दी, तीसरे मुर्दों में जी उठा, अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है जहां उसे अधिकार है स्वर्ग पृथ्वी का, और वो फिर आने वाला न्याय करने। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रायश्चित करते हैं अपने पापों की, आज बॉर्न अगेन यीशु मसीह के नाम का अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, तो ही आपका उद्धार होगा, वरना नरक जाएंगे, नरक 100%। 5 मिनट का मनना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लूका 2 उसकी 11 आयत में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज मैं कहना चाहता हूं 14 दिसंबर 2020 आज उद्धारकर्ता को अपने हृदय में जगह दीजिए। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत कह रहे हैं, मेरा अजीज सुनील मसीह आज आपको इस बात को, स्वर्गदूतों की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु के चुना हुआ दास स्वर्गदूत को समझ लें कि आपसे बात कर रहा है 5 मिनट डेली मन्ना में, कि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है,
क्या आपने उसकी इज्जत की? आपने उसे सम्मान दिया? क्या यीशु मसीह से आपने मुलाकात की? तो पढ़ लीजिए बाइबल, यीशु मसीह से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ देंगे नशा पत्ता, छोड़ देंगे धोखा देना अपनी पत्नी को, पत्नी धोखा देना छोड़ देगी पति को, आज उद्धार हो जाएगा, घर के अंदर से बीमारियां चली जाएंगी, फाका कसी खत्म हो जाएगी, बेटी माँ बाप को धोखा नहीं देगी, बेटा माँ बाप को धोखा नहीं देगा, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा मैं तो आया हूं बेटे को बाप से अलग करने, बेटी को मां से अलग करने और सास को बहू से। मैं अब यीशु मसीह प्रेम करने नहीं आ रहा है, अब तलवार लेके आ रहा है, न्याय होगा, न्याय मेरा और आपका। क्या आप इस बात से वाकिफ है? आप उद्धारकर्ता को रिसीव करिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा करिए, पश्चाताप करिए, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए, आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार ऐसे नहीं होता मेरे भाई कि यीशु मसीह को हम मानते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, टाइथ भी देते हैं। मेरे भाई तुझे ये नहीं पता टाइथ होती क्या है? टाइथ पूछ लेना, क्योंकि आप तो ऐसे चर्च में जाते हैं, ऐसे पास्टर के पीछे घूमते हैं। बाइबल ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अंधे अगुओं के पीछे घूम रहे हैं। टाइथ का मतलब नहीं पता, उन्हें तो ये पता है पैसा लेना। टाइथ का मतलब है अपने जीवन का दशमांश प्रभु की सेवा करना। क्या आप सेवा कर रहे हैं? और आपसे पूछा मैंने, आप कौन है? हम तो इवेंजलिस्ट है, हम पास्टर है। उसकी हिंदी पता है? दास, हिंदी में बोलते हैं प्रभु के दास है। तो दास किसको कहते हैं? सेवा करने वाला। आपने किसी की सेवा की, किसी आत्मा को बचाया, किसी का उद्धार हुआ है आपके वजह से? नहीं हुआ है तो सुन लीजिए, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए, इसीलिए लिखा है यूसुफ से कहा स्वर्गदूत ने, वो एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या आपका उद्धार हुआ मेरे भाई? नहीं हुआ ना? ये 5 मिनट का मन्ना आपका उद्धार कर सकता है इस वचन से। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप प्रभु के लोग हैं तभी उद्धार होगा, वरना आप दिखावटी शैतान के बच्चे लगे रहिए, घर की सजावट में, घर के पकवान बनाने में, कपड़े बनाने में, घर की डेंटिंग पेंटिंग में, बेकार है सब। बोनस का महीना है, ये बोनस है दिसंबर, प्रचार कर लीजिए, आत्मा को बचाइए। कितने बैप्टिज्म आपने किए? आपका खुद नहीं हुआ तो आप दूसरे का क्या करोगे? आपने खुद मन नहीं फिराया दूसरे का क्या फिराओगे? आपका खुद उद्धार नहीं हुआ तो दूसरे को उद्धार क्या करोगे? आज इस वचन से अगर आपने सुना है तो आप पश्चाताप करें और अपना उद्धार करें और यीशु मसीह के पास आ जाएं। सारे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां चली जाएंगी, आपका उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। 5 मिनट का एचजीबीसी मन्ना आपके लिए उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड।